वेल रिसेंटली फेमस ऑथर पोलो कोयलो ने शाहरुख खान प्रोडक्शन वेंचर मूवी कामयाब, जिसमें हमें संजय मिश्रा एज अ लीड में नजर आए थे, उसकी की थी तारीफ। जी आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए इस मूवी की अप्रिसिएशन की थी और साथ ही साथ थैंक किया था शाहरुख खान को कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई। द प्रोड्यूसर थैंक यू इन द वेरी फर्स्ट फ्रेम शाहरुख खान, आई एम डूइंग द सेम। टू डेज अगो अ ग्रेट ब्राजीलियन एक्टर फ्लाबियो मिगलेशियो कमिटेड सुसाइड, लीविंग अ नोट ऑन हाउ द इंडस्ट्री treats their artist. This movie labeled as comedy is in fact the tragedy of art. जी आपको बता दें कि इसके बाद ही शाहरुख खान ने भी उनको थैंक करते हुए लिखा, saw the film when it was doing festival round and it touched a chord with the whole team at Red Chillies Entertainment. I'm so moved, you appreciate and it's sad truth that character actors get forgotten. Look after yourself my friend and be safe and healthy. जी शाहरुख खान ने भी उन्हें थैंक करते हुए लिखा कि वो काफी ज्यादा खुश हैं कि उन्हें ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है। और आपको बता दें कि हाल ही में मूवी के लीड एक्टर यानी कि संजय मिश्रा ने भी रिएक्ट किया है पोलो कोलो की इस प्रेज पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब इमोशंस कनेक्ट होते हैं तो भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और ना ही उनकी माँ ने कभी भी पोलो कोलो की कोई भी बुक पढ़ी है, पर उन्हें ये काफी अच्छा लगा कि इतने बड़े ऑथर ने उनकी मूवी की इतनी ज्यादा प्रशंसा की है। और साथ साथ उन्होंने कामयाब मूवी के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए काफी ज्यादा कामयाबी की बात है कि मुझे इस मूवी में लीड एक्टर का रोल मिला। सासा ने यह भी कहा कि जब क्रिटिक्स ने इस मूवी की तारीफ की तो कामयाबी और भी बढ़ गई। मतलब आपको बता दें कि एंड में उन्होंने इसे काफी अच्छे डायलॉग के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तो कामयाबी की राह पर हैं हम अभी। जी आपको बता दें कि इस सारे ही इंटरव्यू को उन्होंने दिया था एक न्यूज पोर्टल को और इसी के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें कैसा फील हो रहा है जब इतने बड़े ऑथर ने उनकी तारीफ की। और ये तो कहना है संजय मिश्रा का। वेल आप हमें बताइए कि आपने कामयाब मूवी देखी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, हमें जरूर बताइए कि कैसे लगी है आपको ये मूवी। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स की वॉचिंग भूगल बॉलीवुड।